हेलो, गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू? आप लोग सब ठीक हैं? अच्छा बच्चों, अभी फिर मकर संक्रांति का त्यौहार आ रहा है और होली, होली में इलाहाबाद में पतंग उड़ाई जाती है, मकर संक्रांति में गुजरात में, राजस्थान में, फिर यूपी में बहुत पतंग उड़ाई जाती है और बहुत लोग इसको इंजॉय करते हैं। सब अपने अपने छतों पर चढ़ करके पतंग उड़ाते हैं और बहुत चारों तरफ खुशी का माहौल रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज आपको मैं, कुछ बच्चों को जो है ये सब पता रहता है कि पतंग कैसे उड़ाई जाती है, उसको किस तरह से उसका रख रखाव होता है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं बच्चों को थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दूँ। अच्छा बच्चों, जब आप पतंग खरीद करके लाते हो मार्केट से, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? तो काफ़ी सारे बच्चे सबसे पहले कन्ना बांधने बैठ जाते हैं, कहते हैं अंकल हम तो पतंग खरीद के लाते हैं और कन्ना बांधना शुरू कर देते हैं। बच्चों नहीं, सबसे पहले कन्ना नहीं बांधना है। कन्ना बांधने से पहले भी एक बहुत ज़रूरी काम होता है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। वो काम क्या है वो आप देखना। देखो बच्चों, सबसे पहले आप मार्केट से इस तरह की टेप खरीद करके ले आओ, टेप बल्कि ट्रांसपेरेंट ऐसा खरीदना। ये तो मैं आपको यहाँ पे इस टेप से आपको सारा सब कुछ ठीक से दिख जाएगा, इस करके मैं इस टेप को लगा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, पतंग में कन्ना बांधने से पहले ये जरूर करना है अपने। ये देखो बच्चों, आपने क्या करना है, आप जितने भी दो खरीद करके ले आओ, चार खरीद करके ले आओ, दस खरीद करके ले आओ, लेकिन खरीदने के तुरंत साथ ही जो है पतंग में इस तरह से टेप लगा दो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कॉर्नर में, ये जॉइंट्स में, जहां जहां पे भी जॉइंट्स हैं पतंग के, आपको वो जॉइंट्स दिख जाएंगे, उन सारे जॉइंट्स के अंदर आपने टेप लगाना है। फिर एक एक टेप जो है इसके सर वाले हिस्से पे भी लगाना है। और इसका लगाने का वजह भी आपको बता दूंगा बच्चों कि इसको क्यों लगाना चाहिए। बच्चों जितने भी जॉइंट्स हैं पतंग के अंदर, इन सब जगह टेप लगाना चाहिए। ये पतंग के पूंछ के पास भी टेप लगाना चाहिए, थोड़ा सा पूंछ के ऊपर रख के बाकी हिस्सा जो है पूंछ से बाहर। इसको लगाने का कारण भी मैं आपको बता दूंगा अभी। ये देखिए बच्चों, इस तरह से जो है इधर पूंछ में टेप लगाना है, ये सारे जॉइंट्स में टेप लगाना है। अब पतंग किस हिस्से में आइए, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों आपने लंबा टेप लगाना है। आप देखते जाइए बच्चों किस तरह से मैं टेप्स लगा रहा हूं, आपने भी उसी तरह से टेप्स लगाना है।
ठीक है, और एक में मैं इस तरह से लगा देता हूँ, वो टेप मेरा गिर गया। इस वाले में यहाँ पे नहीं लगाया गया था, खैर मैं इसमें लगा देता हूँ, दूसरा टेप लगा देता हूँ। इसी टेप को मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ। अब देखिए बच्चों, इस तरह से यहाँ पे एक जॉइंट पे टेप लगाना है, यहाँ पे एक जॉइंट पे टेप लगाना है, यहाँ पे एक जॉइंट पे टेप लगाना है, एक सर के ऊपर टेप लगाना है, एक यहाँ पे टेप लगाना है, एक यहाँ पे टेप लगाना है, एक यहाँ पे टेप लगाना है, और एक टेप यहाँ पे लगाना है, एक टेप यहाँ पे, दो टेप लंबे लगाने हैं। अब इसका कारण मैं आपको बताता हूँ बच्चों, इसका कारण ये है कि हमारे टाइम जो पतंगे आती थी मार्केट में वो बहुत अच्छी, उसकी पेपर जो होती थी बहुत अच्छी होती थी, और इस करके जो 40-40 साल पुराना पतंग भी जो है हम अपने घरों में रख पाएँ। अब ये पतंग देखिए बच्चों, बहुत पुरानी पतंग है, और इस तरह से ये सारी पतंगें बच्चों बहुत पुरानी पुरानी पतंगें हैं, क्योंकि इसके पेपर्स बहुत अच्छे थे। पर आज मार्केट में जो पतंग बन रहा है बच्चों, वो पेपर अच्छा नहीं है। पहले पेपर आता था जर्मनी से आता था, जर्मन पेपर्स आते थे पहले, और फिर उसके बाद 3 इक्के का पेपर आया जो इंडिया में बनता था, वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन पिछले 2-3 सालों से मार्केट में अच्छा पेपर है ही नहीं, बिल्कुल एकदम बेकार पेपर है। तो बच्चे पतंग खरीद करके लाते हैं, वो पतंग घर तक पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले ही पतंग फट जाता है, वो पतंग घर तक पहुंच ही नहीं पाता है, और जब बच्चे उसको उड़ाते हैं, उड़ाते उड़ाते ही पतंग फट जाता है। तो अब आप देखिए इसको टेप को लगाने का क्या फ़ायदा हुआ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख रहे बच्चों, इस तरह से इसको जब हम यहाँ पे पटक रहे हैं तो ये पतंग फटा नहीं, लेकिन बाजार से जब आप पतंग खरीद करके लेके आओगे और इसमें टेप नहीं लगाओगे, पतंग उड़ाते टाइम जब ये पतंग किसी दीवार पे टकरा जाती है, ज़मीन पे गिर जाती है, तुरंत यहाँ से फट जाता है पतंग, तो पतंग आपका ख़राब हो जाता है। सबसे कमज़ोर हिस्सा पतंग का ये वाला होता है बच्चों, अगर यहाँ पे 1 मिलीमीटर भी फट गया ना बच्चों, पूरी पतंग फट जाएगी आपकी, पूरी की पूरी पतंग फट जाएगी यहाँ पर, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी फट गया। और जब पतंग ज़मीन में इस तरह से गिरता है तो यहाँ से भी पतंग फट जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो सारा मूड ऑफ हो जाता है, आपने एक तो करना वादा इतना मेहनत करके, और आपने उसकी इतनी दूर से जाके खरीद के लेके आए, इतना पैसा आपने वेस्ट किया, मम्मी पापा को बोल बोल करके आप पैसा लेकर के आए, आपने इतना पैसा उसके ऊपर वेस्ट किया, और क्या हुआ कि आप जब उड़ाने लगे आपकी पतंग फट गई, तो आपका बड़ा मूड ऑफ हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों, इस जगह अगर आप टेप लगा लोगे तो आपकी पतंग फटेगी नहीं जल्दी, आपका ये पतंग 90% प्रोटेक्ट हो गया। तो इसका जो है आपको क्या है कि अब हम मैं आपको कन्ने बांधना सिखाता हूँ। ऐसे जनरली कन्ने तो जो बांधे जाते हैं वो तो जो क्लब में लोग पतंग उड़ाते हैं, जो क्लब में पतंग उड़ाते हैं वो लोग अपने हिसाब से बांधते हैं, लेकिन जो बच्चे छत पे पतंग उड़ाते हैं, सीजनल पतंग उड़ाते हैं, जैसे त्योहारों पे पतंग उड़ाते हैं, मकर संक्रांति पे हो गया, या बसंत पंचमी पे हो गया, और आपका होली पे हो गया, विश्वकर्मा पूजा पे हो गया, 15 अगस्त पे हो गया, तो इस तरह जो छतों पे सीजनल पतंग उड़ाई जाती है 2-3 महीने के लिए, वो बच्चों को रेगुलर करना डालना चाहिए। वो रेगुलर करना कहाँ डलेगा, यहाँ पे डलेगा। रेगुलर करना इसका जो आपका सबसे अच्छा रहेगा, आप यहाँ पे करना डालिए, ठीक है बच्चों। इसको मीडियम करना कहते हैं हम लोग। अब करना किस तरह से डालना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए बच्चों, इसमें 6 नंबर की सद्दी है, इसमें 6 नंबर की सद्दी है, और अगर आप 6 नंबर की सद्दी से करना बांध रहे हमेशा करना सद्दी से बांधना चाहिए। तो ये जो सिर्फ सामने का हिस्सा है, सामने के हिस्से को आप इतने हिस्से को डबल कर लीजिए, और डबल से भी अच्छा रहेगा अगर आप ट्रिपल कर लेंगे। ट्रिपल कर लेंगे तो आप एकदम 100% श्योर हो जाएंगे कि कन्ना आपका टूटेगा नहीं। और पतंग का कन्ना जब भी टूटता है वो आगे से टूटता है, क्योंकि पतंग का जो जितना भी मूव है वो सब आगे की तरफ से होता है, ठीक है बच्चों। ये 6 नंबर सदी से मैं कन्ना बांध रहा हूँ, तो इस करके मैंने इसको आप डबल पिरो लीजिएगा। इस तरह से कन्ना जो लोग बांधते हैं, जो क्लबों में पतंग उड़ाते हैं बच्चों, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और ऑल ओवर इंडिया में कम से कम सारी शहरों के मिला करके कम से कम 2000 से भी ज़्यादा क्लब्स होंगी बच्चों,
2000 से ज़्यादा क्लब्स, पीछे किस्से को आप डबल बांधिएगा, पीछे टिपिल बांधने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 95% जो कन्ना टूटता है, 95% जो है आगे से टूटता है, पीछे से नहीं टूटता है। कन्ना जो है आगे वाला टूटेगा, आगे वाला मतलब ये वाला 95% यहाँ से टूटता है कन्ना, 5% यहाँ से, कभी कभी यहाँ से भी टूट जाता है अगर सद्दी कमज़ोर है तो। 6 नंबर की अगर सद्दी है तो इसको आप टिबिल कर लीजिए, सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा, इस हिस्से को डबल कर लीजिए, बीच का हिस्सा सिंगल रहने दीजिए, बीच के हिस्से से कन्ना नहीं टूटता है। अब क्या है, आपने इस तरह से इसका थोड़ा सा स्लांट करके आप कन्ना बांधिए और इसको ऐसे करके आप बांध लीजिए। कई बार हम यहाँ पे नॉट बांधते हैं तो उससे ये होता है कि नॉट यहाँ पे बांधने से कई बार कन्ना ही इसके अंदर उलझ जाता है, तो इसका आपने नया तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये नया तरीका नहीं है, बहुत पुराना ही तरीका है। क्लब्स में जो लोग पतंग उड़ाते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं बच्चों, यही तरीका होता है उसका। ये देखिए, ये तरीका होता है क्लब में जो पतंग बांधते हैं, वही तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप इस तरह से कन्ना बांधोगे, इस तरह से सारी टेपिंग कर लोगे, खरीदने के तुरंत बाद ही टेपिंग करना, टेपिंग करने के बाद ही आप कन्ना बांधना, और कन्ना बांधना आपने इस तरह से मीडियम कन्ना बांधना है। और जो क्लब में उड़ाते हैं वो तो छोटा कन्ना भी बांध लेते हैं हवा के हिसाब से, बहुत तेज़ हवा होती है, 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड होती है, तो वो लोग यहाँ पे भी सुराख कर लेते हैं, इस जगह सुराख कर लेते हैं। ये मीडियम हवा के लिए है कन्ना, ठीक है, ज़्यादातर मीडियम हवा ही चलता है, मतलब 5 से लेकर 12 से 15 किलोमीटर तक के, जो ये मीडियम हवा के लिए होता है, 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से लेके 12-15 किलोमीटर/आवर की स्पीड तक ये मीडियम करना होता है। लेकिन हवा जब 20 किलोमीटर से अबव होती है तो बच्चे जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो यहाँ पे बांधते हैं, और इसको गेड़कन्या बोलते हैं, छोटा कन्ना बांधते हैं। और जब हवा कम रहता है और बहुत दूर पेच लड़ाना होता है, बहुत दूर, 1000 मीटर से भी ज़्यादा, तब कन्ना यहाँ पे बांधा जाता है। इसको कहते हैं पत्ते के ऊपर कन्ना, यानी पत्ता ये है, इसके पास कन्ना। और अगर हवा बहुत तेज रहता है तो छोटा कन्ना, इसको कहते हैं डेढ़कन्या कहते हैं इसको। और अगर हवा मीडियम रहता है तो इसको, ये कन्ना सबसे अच्छा रहता है बच्चों, ये कन्ना सबसे अच्छा रहता है, और कम हवा में बहुत दूर के पेच में यहाँ पे कन्ना बांधा जाता है। अच्छा, जब आप कन्ना बांध लेंगे तो एक क्या करेंगे, इस तरह से टेप लेंगे, टेप लेकर के आपने इस तरफ आना है जहाँ पे आपने कन्ने का ये सुराख किया था, इस सुराख को आपने इस तरह से टेप लगा के बंद कर देना है। बंद कर देने से क्या होगा कि इसका पतंग का, कई बार आप देखते हैं कन्ना लूज हो जाता है उड़ते उड़ते, तो ये आगे स्लिप कर जाता है, जब आपने उसको बंद कर दिया टेप से तो वो स्लिप नहीं करेगा। तो ये हो गया बच्चों इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। तो ये 5 स्टेप में मैं वीडियो बनाऊंगा, और इसके बाद जो है मैं आपको मंझा के बारे में बताऊंगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे चैनल का नाम है माई आर्ट एंड क्राफ्ट सोमेन घोष, इस नाम से आप सब्सक्राइब करिएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा कि आपको मंझा कैसा खरीदना है। और फिर उसके बाद जो वीडियो बनेगा उसमें मैं सद्दी के बारे में बताऊंगा, मैं धीरे धीरे जो है आपको सारे इसके बारे में डिटेल में बताता रहूंगा। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।